हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PRT टीचर का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, जिसका इंतज़ार आप लोगों को था। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर दिया गया है। कुछ वैकेंसीज का जिक्र किया गया है, जो कि 2/17 की वैकेंसी थी 4366, जिसमें जनरल 16/10, OBC 12/86, SC 714 और ST 756, PHVH के लिए 288, ये आप देख सकते हैं। तो 16/17 के लिए ये वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 16/17 के साथ 1/18 पोस्ट भी निकली थी, तो ये इन दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर ये भी दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर, ये सब बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट था 16/17 और 1/18, तो 1/18 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुल 780 पोस्ट थी, तो दोनों का एक ही टाइम पर एग्ज़ाम था और इन कैंडिडेट से ई डोजियर मांगा गया है। तो ये जनरल कैटेगरी के 251 है, माफ़ कीजिए, जो कि सिलेक्ट हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के दौरान। और OBC कैटेगरी से 251 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए, इसको स्क्रॉल में इसलिए जल्दी कह रही हूँ क्योंकि इसकी जो आपको अगर PDF में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो 22 कैंडिडेट्स पर स्टार है OBC के, इसका ये है कि इनकी 10th और 12th जो है वो हरियाणा या अदर बोर्ड से हुई है, बजाय कि दिल्ली बोर्ड से होने की। तो OBC में इसमें डाउट माना जाता है कि अगर आपने कहीं बाहर से स्टडी की है और आप दिल्ली का अपने आप को बता रहे हो, या मतलब इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो ये बात है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाई है कि क्या क्या प्रूफ होने चाहिए, क्या मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या आपकी आगे की प्रोसेस है, तो ये सब आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आप देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। SC कैटेगरी के 116 पोस्ट हैं टोटल, ST कैटेगरी के 141 हैं। देखिए, इस तरह से तो आप नहीं देख पाओगे, आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, और उसमें आप सर्च के माध्यम से डायरेक्ट अपने रोल नंबर पर जा सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं एनरोलमेंट नंबर, अगर है तो आप सिलेक्टेड हैं। और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो किसी वजह से रह गए हैं तो प्लीज़ निराश हताश ना हुए, और चांस मिल जाएंगे, या एक PRT की जो भी नहीं, क्या पता उससे बेहतर कुछ आपके लिए हो, तो अपनी कोशिश बिल्कुल ना छोड़ें, प्रयास करते रहें, क्योंकि हर एक अंधेरे के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स दिए थे, हो सकता है उन तक ये बात पहुंची है या नहीं ये खबर, तो ये अच्छा रहेगा कि हम इस खबर का जरिया बने। थैंक यू सो मच। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलो बातें तो हो गई हैं, इसमें ई डोजियर की हम डेट देखते हैं, अगर मिल जाती है तो ठीक है। ये कट ऑफ है, यहाँ पर कट ऑफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक और दी है, ये जो 27 मार्च तक की वैलिड थी वेटिंग लिस्ट, और इसमें जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे 123.04 रही है जनरल की, 108.48 रही है OBC की, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और हमने जो बात की थी कि ई डोजियर के लिए क्या डेट है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये आपकी 11 नंबर पे ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिव फ्रॉम 23/7 जुलाई 2022 1 अगस्त 2020
ठीक है, ये 127 कैंडिडेट्स के लिए होगा, फर्स्ट रिकॉल होगी। और ठीक है, ये रोल नंबर 2 दिए गए हैं, एंड फ्रॉम 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक सेकेंड रिकॉल रहेगी। ऑल द अबव कैंडिडेट्स आर ऑल्सो बींग सेपरेटली इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS, और आपको मैसेज भी किया जाएगा जो कि आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो कि आपने DSSSB ऑनलाइन वाले पे फॉर्म फिल करते टाइम या रजिस्टर करते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर आपको मैसेज किया जाएगा इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको नई जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।